अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तहसीन अकबर और आप देख रहे हैं पावर ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की जो वीडियो है वो है इंडिया के पागलपन पे। इंडिया ने 20 खरब रुपए जो है वो लड़ाका हथियारों पे लगा दिए हैं और इतने ही पैसे जो है वो फ्यूचर में लड़ाका हथियारों पे तकरीबन खर्च करना चाह रहा है। भारत का जंगी जुनून जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेता, बल्कि इस वक्त जो है वो जनूबी एशिया में अपनी चौधराहट कायम करने और पाकिस्तान और चीन को नीचा दिखाने के लिए असले के ढेर लगाता जा रहा है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा असला खरीदने वाला मुल्क बन चुका है। हालांकि कुरे अर्द पर गुरबत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वाले सबसे ज्यादा लोग इसी मुल्क में बसते हैं। अब भारत में बीजेपी की क्यादत वाले इंतहा पसंद मखलूत हुकूमत ने एक बार फिर गरीबों का हक मारते हुए इंडियन एयरफोर्स के लिए 110 जदीद तरीन सिंगल इंजन मल्टी रोल तैयारे खरीदने का ऐलान किया है, जिस पर 20 अरब अमरीकी डॉलर या 125,000 करोड़ भारतीय रुपए या 20 खरब पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा लागत आएगी। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा दफाई सौदा होगा, जिसकी मालियत इसके कुल सालाना दफाई बजट के निफ्स के बराबर है। इनके अपने दफाई बजट का आधा हिस्सा जो है 50% जो है वो इन हथियारों पे लगाएगा। 6 अप्रैल 2018 को भारतीय हुकूमत की जानब से 6 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को बाजाब्ता रिक्वायरमेंट्स फॉर इंफॉर्मेशन भेज दी गई, जिन हथियारों के असूल पर गौर किया जा रहा है। इनमें फ्रांसीसी साख्ता राफेल, सुखोई 35, अमरीकी F-16, F-18, स्वीडिश साख्ता साब ग्रिपन और यूरोपियन साख्ता यूरो फाइटर टाइफून है। यानी कि वो दुनिया के तकरीबन बड़े जितने भी जहाज है उनको खरीदने का गौर कर रहा है। ठीक है, ये एक अलहदा है और 110 सिंगल इंजन जहाज जो है वो अलहदा है। मतलब इंडिया पागल हुआ खड़ा है, एक बड़े तादाद में जो है ना वो असला खरीदना चाहता है। पता नहीं कौन सी बड़ी फोर्स बनाना चाह रहा है जो पाकिस्तान और चीन को खत्म कर देगी। पता नहीं कौन से ख्वाब वो तैयार कर रहा है। भारत की जानब से अपने पुराने लड़ाकू हथियारों को जदीद तरीन जंगी हथियारों से बदलने की कोशिश गुज़श्ता 2 दहाइयों से जारी है, मगर इस मकसद में इसे ताहाल सिर्फ जुज़वी कामयाबी ही हासिल हो सकी है। माहिरीन के मुताबिक भारतीय फजाइया के पुराने रूसी साख्ता MiG-21 और MiG-27 हथियारों पर मुश्तमिल 11 स्क्वाड्रन अब खत्म हो चुके हैं और इनकी जगह नए और जदीद तरीन हथियारे हासिल करना वक्त की अहम जरूरत है। भारतीय फजाइया के पास इस वक्त 31 स्क्वाड्रन है, जिनमें से हर एक 18 हथियारों पर मुश्तमिल है, जबकि भारतीय दफाई माहिरीन का मौकफ है कि पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए इंडियन एयरफोर्स को कम अज कम 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। भारतीय फजाइया के पास मौजूदा लड़ाकों की तादाद सिर्फ 600 है और जो इससे भी कम होती जा रही है, जबकि पाकिस्तानी फजाइया के पास 400 बेहतरीन हालत में खड़े हुए त्यारे मौजूद हैं और चीन के पास इस वक्त 1500 से ज्यादा त्यारे मौजूद हैं। भारत ने 2001 में फ्रांस से 126 मिराज 205 त्यारों का असूल का समझौता किया, जो 2005 में भारत ने यूपीए हुकूमत ने खत्म कर दिया और त्यारों के असूल के लिए नया ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया। 2012 में फ्रांसीसी साख्ता राफेल त्यारे का इंतखाब किया गया, लेकिन मुआहदे पर दस्तखत ना हो सके और 2016 में भारतीय हुकूमत ने यह टेंडर भी मनसूख कर दिया। अलबत्ता फ्रांसीसी हुकूमत से बराह रास्त एक मुआहदे के तहत 36 राफेल खरीदे लिए गए और ये इसी साल में ये इन्हें मिल जाएंगे। 2016 में भारतीय हुकूमत ने यह टेंडर भी मनसूख कर दिया था, लेकिन बाद में ये टेंडर जो है 36 तैयारों का ये इन्हें, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स बहुत ज्यादा नीचे गिर रही थी, इस वजह से इन्हें मजबूरी के तौर पर महंगे तरीन, दुनिया के इस वक्त इंडियन एयरफोर्स महंगे तरीन रफाल जहाज खरीद रही है, तो 36 त्यारे खरीदे हैं इस साल ये इन्हें मिल जाएंगे। और तमाम वजारत दफा ने, मतलब इंडियन जो वजारत दफा है उसने स्वीडन के ग्रिपन और F-16 में से किसी एक त्यारे के इंतखाब की तजवीज जो है वो मुस्तरद कर दिया है। इसके बाद अब एक मरतबा फिर इस मुहिम का आगाज किया गया है जो 110 त्यारे खरीदने हैं और बाकी 4th जनरेशन और 5th जनरेशन प्रोजेक्ट्स पे जो काम करना है। इंडिया इस पे क्या करता है, अभी तक तो वो सिर्फ अपने जो 42 स्क्वाड्रन है वो पूरे नहीं कर पा रहा, जबकि 31 स्क्वाड्रन बचे हैं और उसमें से MiG-21 और 27 के जितने भी स्क्वाड्रन है, कम से कम वो 11 स्क्वाड्रन है।
तो वो 11 के 11 स्क्वाड्रन खत्म हो जाएंगे अगले चंद सालों में। अगर 11 स्क्वाड्रन खत्म होते हैं तो उनके पास तकरीबन 19 स्क्वाड्रन बचेंगे, और वो 19 स्क्वाड्रन जो है वो पाकिस्तान से भी कम है। पाकिस्तान के इस टाइम 28 के करीब स्क्वाड्रन मौजूद है, तो यानी कि वो चाइना का तो मुकाबला क्या करेगा, वो पाकिस्तान का मुकाबला करने की जो है हालत में नहीं है। वो अपनी फोर्स को बेहतर करने में, अपने हथियारों को अपग्रेड करने के बजाय धड़ाधड़ पैसा खर्च कर रहा है, दूसरे मुल्कों को दे ही जा रहा है, प्रोजेक्ट ले देता है कैंसिल कर देता है, प्रोजेक्ट देता है कैंसिल कर देता है। त्यारे ना आ रहे हैं, ना उन्हें ये खरीदने की हिम्मत रखते हैं, ना उन्हें इतना पैसा दे पाते हैं, प्रोजेक्ट बड़े बड़े बना लेते हैं, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। इंडिया एक किस्म का ना बिल्कुल पागल हो चुका है उस जंगी जुनून के अंदर, वो समझ नहीं रहा कि उसे करना क्या चाहिए, उसको एक तरतीब से तरीके से चलना चाहिए, वो उस चीज को नहीं समझ रहा। चले हमें इससे क्या लगे वो उनका, मैंने एक आपको न्यूज देनी थी। तो पाकिस्तान को अल्लाह तरक्की दे, और पाकिस्तान जो एयरफोर्स जो है वो दिन दुनी तरक्की कर रहा है, और अल्लाह इसको इसी तरह तरक्की करता रहे। आप 2019 में पाकिस्तान का जो है JF-17 Block 3 देखेंगे, जो कि मुकम्मल तौर तकरीबन तैयार हो चुका है, चंद एक मराहल हैं जो रह गए हैं, टेस्ट फ्लाइट्स वगैरह, और ये वो 2019 में तकरीबन शुरू हो जाएंगी इसकी सारी, तो टेस्ट फ्लाइट के लिए रेडी है अभी भी। और वो एयरफोर्स ये चाहती है कि 2019 के अंदर इसको इंडक्ट कर लिया जाए, तो 2019-20 में आप देखेंगे कि हमारा JF-17 Block 3 जो है इंडक्ट हो जाएगा, और हम SU-35 भी हम जो रशिया से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इन सारी चीजों पर बाद में आपको जो है किसी और वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। वीडियो जो है पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब चैनल लाजमी करें, जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि उन्हें जो है मेरी तमाम वीडियोज जो है वो बर वक्त मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तहसीन अकबर और आप देख रहे हैं पावर ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की जो वीडियो है वो है इंडिया के पागलपन पे। इंडिया ने 20 खरब रुपए जो है वो लड़ाका हथियारों पे लगा दिए हैं, और इतने ही पैसे जो है वो फ्यूचर में लड़ाका हथियारों पे तकरीबन खर्च करना चाह रहा है। भारत का जंगी जुनून जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेता, बल्कि इस वक्त जो है वो जनूबी एशिया में अपनी चौधराहट कायम करने और